नमस्कार दोस्तों, अपनी सीरीज आपकी पसंद में हमारे कुछ व्यूवर्स ने अपने कमेंट्स के जरिए हमसे राव हमीरदेव के बारे में वीडियो दिखाने की गुजारिश की है। आज हम उनकी गुजारिश को ध्यान में रखते हुए महान पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज हमीरदेव से जुड़ी एक ऐसी घटना पेश कर रहे हैं जब उन्होंने एक मुस्लिम शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। राजस्थान के राजाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। उन्हीं राज्यों में से एक वीर, प्रतापी, निर्भीक, बलशाली वचन रक्षक हठी राजा हमीरदेव भी थे। सन 1282 ईस्वी में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उन दिनों दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम जिनका नाम चिमना था से उनके एक सेनापति मोहम्मद शाह को प्रेम हो गया था। जब अलाउद्दीन को इस बारे में पता लगा तो मोहम्मद शाह ने डर के मारे हमीरदेव के पास शरण ले ली। हठी हमीरदेव शरणागत की रक्षा करना अपना फर्ज समझते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनको वापस भेजने की मांग रखी तो हमीरदेव ने मना कर दिया। हमीरदेव की ताकत से अलाउद्दीन खिलजी भली भांति परिचित था। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया और हमीरदेव के पास के कुछ सेनापतियों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले 3 हमले किए और तीनों में उसे हार का ही सामना करना पड़ा। गद्दारों ने भेद बता दिए और दुर्ग के गुप्त रास्ते भी बता दिए थे। हमीरदेव और मोहम्मद शाह लड़ते हुए बाहर आ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मोहम्मद शाह को बंधक बना लिया गया। महल की समस्त स्त्रियों ने जल जोहर कर लिया। हमीरदेव ने मरते दम तक अपनी वचनबद्धता निभाई। मृत्यु तो निश्चित है, परंतु ऐसी वचनबद्धता के कारण आदमी का नाम अमर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आप हमें अपनी पसंद कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।